विकास के नाम पर केवल सीमेंट की चादर बिछाई गई है, जिससे बरसात का पानी थोड़ा भी आता है तो गरीब जनता जो ऊंचे ऊंचे महल नहीं बांध सकती है उनके घर में सीधा पानी घुस जाता है। और ये पहला दूसरा तीसरा साल है कंटिन्यूस कि थोड़ी भी बारिश हुई तो गरीबों के घर में पानी जाता है। और यही गरीब जब अपने विकास के लिए निधि मांगने जाता है, अपने परिसर में गटर लाइन और नाले बनाने के लिए निवेदन देता है, तो उनको कोई न्याय नहीं मिलता। अगर से चद्दर रोड रोड की सीमेंट की चद्दर बिछाने से विकास होता तो आज ये गरीब जनता का जो घर डूब रहा है ये डूब रहा नहीं होता। पिछले बार भी पानी भरा, लोगों ने प्रशासन ने अनाउंस किया कि हम मदद करेंगे, शासन में बैठे लोगों ने अनाउंस किया कि गरीबों को मदद होगी, लेकिन गरीबों को मदद नहीं मिली। जिनके बड़े बड़े घर है, जिनके घर में पानी ही नहीं गया था, उनको बराबर मदद मिली। सर्वे करने वाली जो प्रशासन की टीम आती है उन लोगों का काम बराबर नहीं होता है। यहाँ पर हमने अभी फिर से सर्वे करने की मांग की है महानगर पालिका सहायक आयुक्त मंगलवारी जोन को, हमारे नेता विकास ठाकरे जी का मार्गदर्शन, और उन्होंने सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को सूचित किया है कि सामान्य जनता जो जो घर पानी में डूबा है उनको न्याय दिलाने के लिए विकास ठाकरे जी ने निर्देश दिए कि कांग्रेस का हर पक्के कार्यकर्ता जाएगा और उनको न्याय दिलाने के लिए उनके फॉर्म भरना है, उनके घर में सर्वे कराना है और उनका कितना नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई मिलना चाहिए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। इसलिए हम लोग यहाँ पर, हमारी प्रभाग की नगर सेविका भी यहाँ पर, स्नेहानिकों से हम सब लोग पूरे लोग यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आए लोग? पंजाबी लाइन, गड्डी गोदाम, खलासी लाइन, हसन गैरेज, लुम्बिनी नगर, सुदर्शन कॉलोनी गड्डी गोदाम, सुदर्शन कॉलोनी बेजन बाग, भंडार मोहल्ला और ऐसे अनेक बस्तियां, खदान, यहाँ पे महानगर पालिका के बाजू में खदान करके परिसर है मंगलवारी में, यहाँ पर पानी अभी भी 6 फुट भरा हुआ है, लेकिन प्रशासन के पास कोई रास्ता नहीं है। प्रशासन बोलता है कि वहाँ पे रेलवे का परिसर है, हम लोग काम नहीं कर सकते है। अधिकारी आते हैं क्या सर्वे करते के दूसरी जगह पे करते? नहीं, अधिकारी आते हैं लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ऐसी हदबलता दिखाते हैं। रेलवे का प्रीमाइसेस है, हमारे पास में काम करने वाले कर्मचारी नहीं है, हमारे पास में पंप नहीं है, तो पानी कैसे निकालेंगे उसमें वो लोग अपनी असमर्थता दिखाते हैं। तो ये जो महानगर पालिका इतने सालों से जो भाजपा चला रही थी, ये हमेशा उनके नाकारापन के वजह से, उनके गलत विकास के वजह से गरीब जनता के घरों में पानी भर रहा है और इनको मुआवजा भी बराबर नहीं मिलता। जिनके घर में पानी नहीं गया, ये आंटी हमारे साथ है, इनके घर में आज दूसरी बार पानी भरा है लेकिन इनको मुआवजा नहीं मिलता। जिनके घर 15-15, 10-10 फुट ऊपर है उनको पानी मिलता है, मुआवजा मिलता है। बात करिए आप इनसे, बताइए आंटी।